सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन पहला टेस्ट मैच खत्म हो गया है, जबकि दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। वो कौन कौन सी तब्दीली की जाएगी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे। मगर मज़ीद तफ़सीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। इमामुल हक इंजर्ड होकर मुल्क वापस रवाना हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं। बाबर आजम की भी वापसी होगी और साथ सरफराज अहमद को भी बतौर बैट्समैन टीम में शामिल किया जा सकता है। और वैसे भी सरफराज अहमद को T20 स्क्वाड में शामिल किया, ताहम उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला। फिर टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल रहे, ताहम वो पहले टेस्ट मैच में पाक प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। इस बिना पर उन्हें टीम में बतौर बैट्समैन शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा सोहेल खान का नाम भी जेर गौर है कि उन्हें टीम में शामिल किया जाए, और इस बिना पर सोहेल खान को दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि बाबर आजम भी दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और वो भी जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर किन किन खिलाड़ियों को बिठाया जा सकता है। दो खिलाड़ी तो कंफर्म है, शान मसूद और हारिस सुहेल को बिठाया जा सकता है, और उनकी जगह एक तो बाबर आजम की वापसी होगी और दूसरी सरफराज अहमद को लाजमी तौर पर बतौर बल्लेबाज शामिल किया जा सकता है और शामिल करना भी चाहिए। जबकि बॉलिंग में कोई तब्दीली नजर नहीं आती, ताहम अगर सुहेल खान की वापसी होती है तो फिर नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास में किसी एक को बैठना पड़ेगा। आप भाई मुझे बेहतर तौर पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और किन किन खिलाड़ियों को बिठाया जाएगा या किन किन खिलाड़ियों को बिठाना चाहिए। इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मंतजर रहेगा।